प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से किया मां गंगा का पूजन। माघ मेले में कराए जा रहे कार्यों का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। महाकुंभ 2025 के तहत कराए जा रहे विकास कार्यों का मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित द्वारा कराया गया मां गंगा का पूजन। तीर्थ पुरोहित ने संगम तट पर प्रयागराज की भव्य प्रतिमा लगाने की सीएम योगी से की अपील। भव्य प्रतिमा लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आश्वासन। साथ ही माघ मेला 2024 की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात प्रेस वार्ता की। साथ ही लेटे हुए बड़े हनुमान जी के दर्शन और पूजन भी किए। मित्रों, प्रयागराज में आज यहां मुझे संगम तट पर दर्शन करने, माघ मेले की तैयारी और 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खास तौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।